The members of Shiv Sena, BJP and All India Majlis-e-Ittehad-ul Muslimeen on Saturday created a ruckus in the Aurangabad Municipal Corporation after the controversy on reciting Vande Matram. The song was played at the beginning of the general body meeting, but two AIMIM members did not stand for the song. The members of the ruling bench objected to this and started raising slogans demanding actions against them. This led to scuffle between the two fronts and the microphones were damaged. The mayor suspended the membership of two members for a day and adjourned the proceeding for an hour. जो अपने सभागृह की पद्धति है, प्रथा है, उसके मुताबिक सभागृह चलाना चाहिए। तो दो मेंबर एमआईएम के सदस्य वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं रहे। जब हमारे ख्याल में आया, तो उनको मैं विनती किया कि आपका क्या कहना है। उन्होंने वो बोलना छोड़ के सभागृह की शिस्त खराब करना, माइक तोड़ना, असभ्य वर्तन करना, बहुत से जो सभागृह का वर्तन रखना है वो न रखते हुए सभागृह की जो शान रहती, जो ये रहती नियमावली, उसके अलग से काम करके भाजपा सेने के सब नगर चौक पे आंग पे आना, गलत काम कर रहे हैं, तो उनको मैं निलंबित किया। निलंबित होने के बाद में उनको मैं बोला आप सभागृह से निकल जाओ, नहीं तो अपना क्या कहना है वो बोलो। वो भी नहीं बताए हुए, वो वहाँ दादागिरी कर रहे थे, उन्होंने खुद होके झगड़ा निकाले। और मेरे ख्याल से उनको डेवलपमेंट से कुछ लेन देन नहीं है। आगे की जो निलंबित है उनका तो निलंबन रहेगा, लेकिन जिन्होंने कुछ सभागृह में गए वर्तन करे उन पर कार्रवाई करने का मैं आदेश करने वाला हूँ। After the house reassembled, the same scenario led to deferring the proceeding for the second time. Security personnel and cops were called in the house to handle the situation.